Good morning, students. Welcome to e-learning classes provided by Sinagel Academy. Myself, Sanjeev Angelo, I am going to teach Hindi class 5, chapter 9, Sunita Williams ke Anubhav. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पाठ को पढ़ा और समझा था और मैंने कहा था कि अगले भाग में हम चलेंगे इसके प्रश्न उत्तर की तरफ. तो चलते हैं सबसे पहले इसके जो लिखित कौशल है प्रश्न उत्तर उसके तरफ. तो सबसे पहले प्रश्न पूछ रहा है कि सुनीता विलियम्स पशु चिकित्सक क्यों बनना चाहती थी. तो हम लोग जानते हैं पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है कि सुनीता विलियम्स जो है वो उनका लगाव बचपन से ही जानवरों तक रहा है, खिंचाव रहा है. इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि सुनीता विलियम्स पशु चिकित्सक क्यों बनना चाहती थी. तो उत्तर होगा इसका, सुनीता विलियम्स को बचपन से ही जानवरों से लगाव था इसलिए वे पशु चिकित्सक बनना चाहते हैं. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, अंतरिक्ष यात्री को किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए. तो जैसा कि यहां बताया है कि अंतरिक्ष यात्री को एक इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर का विशेष ज्ञान के साथ साथ एक डॉक्टर के गुण भी होने चाहिए. तीसरा प्रश्न पूछा है, सुनीता विलियम्स ने भारतीय व्यंजन और भारतीय ग्रंथों के बारे में क्या बताया. तो यहां कह रहे हैं कि सुनीता विलियम्स ने भारतीय व्यंजन और भारतीय ग्रंथों के बारे में बताया है कि अगर ये दोनों साथ हो तो लगता है कि हम सब अपने घर के करीब हैं. एक लगाव सा बन जाता है, लगता है कि हम लोग दूर होते हुए भी लगता है कि एक भारतीय व्यंजन और साथ में हमारा जो ग्रंथ है अगर साथ रहता है तो नहीं लगता है कि हम लोग देश में है, विदेश में है या फिर कहीं और है. तो उसके बाद कह रहे चौथा प्रश्न जो है यहाँ बोल रहा है, पूछ रहा है कि सुनीता विलियम्स के पिता ने उन्हें किस बात के लिए प्रेरित किया. सुनीता विलियम्स के पिता ने उन्हें किस बात के लिए प्रेरित किया. हालांकि सुनीता विलियम्स जो है वो बचपन से ही वो विदेश गई थी, वो बाहर चली गई थी अपने पिता के साथ, फिर भी सुनीता विलियम्स के पिता एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वे सुनीता विलियम्स को हमेशा भारतीय मूल होने का और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की तरफ उन्होंने प्रेरित किया कि विदेश में रह के भी अपने भारतीय संस्कृति को हमेशा याद रखे. यहाँ तक कि उनके पिता जो है उनको लॉर्ड हनुमान की कॉमिक्स भी दिया पढ़ने के लिए, साथ ही साथ क्या किया उन्होंने गांधी जी की लिखी हुई एक पुस्तक भी दी जिससे उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला. उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं. अगला प्रश्न है पांचवा कि एलियंस के बारे में सुनीता विलियम्स की क्या राय है. तो इसका जवाब देते हुए उसे वो हंसी थी, लेकिन यहाँ पर उसका उत्तर बता रहा है कि एलियंस के बारे में सुनीता विलियम्स कहती है कि अंतरिक्ष स्टेशन के लगातार चलते रहने के कारण कभी कभी अचानक सूर्य के सामने होने का या फिर चांद के सामने होने पर कुछ प्रतिबिंब दिखाई देते हैं. ये प्रतिबिंब किसी के खड़ा होने का भ्रम पैदा करते हैं और हम इन्हें एलियंस मानने की भूल कर बैठे हैं. अब हम लोग चलते हैं छठा प्रश्न की तरफ. तो छठा प्रश्न क्या कह रहे बच्चों कि सुनीता विलियम्स ने बच्चों को क्या संदेश दिया जब वो सुनीता विलियम्स भारत आई थी यात्री पर. तो वो क्या संदेश दिया था, हालांकि बस हम लोग अगर एक मिनट में देखें तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बच्चों से कहा कि वो आपसी भाईचारे का वो संदेश है. लेकिन हम लोग शुरू से चलते हैं यहाँ पे. सुनीता विलियम्स ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि अंतरिक्ष से झांकने पर जो दुनिया है सारी दुनिया एक जैसी लगती है, एक ही दिखती है. अर्थात सुनीता विलियम्स ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि अंतरिक्ष से नीचे झांकने पर लगता है कि सारी दुनिया एक है. हम इंसानों ने इस दुनिया को अलग अलग सीमाओं में बांध दिया है. इसलिए वो बच्चों से कहती है कि वे दुनिया में आपसी
भाईचारे का संदेश है। तो यहां मुख्य रूप से संदेश क्या है, दुनिया में आपसी भाईचारे का संदेश है। तो ये आपका लिखित कौशल मतलब की प्रश्नोत्तर हुआ। आपका प्रश्न है जो आपको मैं गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं, जैसे कि सही विकल्प जो है बस ये एक ही है, जो सही विकल्प हो उसके सामने सही का निशान लगे। तो ये पाठ का प्रश्नोत्तर यही खत्म होता है बच्चों। तो अगले क्लास में हम लोग देखते हैं कौन सा पाठ है, स्वर्ग की यात्रा की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।